तिरंगा कितना भारी है। मासा ने अपना हार तो दे दिया, पर ये इतना भारी है, मैं इसे संभालूंगी कैसे? इसे तो मैं संभालूंगी, पर अपने आप को कैसे संभालूं? मैं तो ये घर छोड़कर जाने वाली हूं ना। खाने की खुशबू तो मस्त आ रही है, पर भाभी ने फोन में देख के खाना बनाया, पता नहीं कैसा बना होगा। तुझे याद है ना पहली रसोई में क्या कांड हुआ था? हाँ, उनकी मम्मी ने ये सब बनाया था, उनको तो खाना भी नहीं बनाना आता था। एक काम करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। चलो आप ही कचौरी खाओ, मैं ये दाल टेस्ट करता हूँ। ठीक है। कचौरी टूटी? कचौरी तो नहीं, पर मेरा दांत जरूर टूट गया। तब ये तो क्रिकेट बॉल से भी ज्यादा हार्ड है। तेरे क्या हाल है? अभी मैं टेस्ट करता हूँ। क्या हुआ? ये तो बहुत कड़वा है, समझ में नहीं आ रहा कि दाल में नमक था कि नमक की दाल थी। अगर ये खाना गेस्ट ने खा लिया तो हमारी तो गजब बेइज्जती हो जाएगी। क्या करें? कौन बचाएगा बुलबुल भाभी को? कौन बचाएगा? वीर भाई। सॉरी सॉरी सॉरी। हले, गलत बात थानेदार साहब, आपको नहीं पता है किसी के भी कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाना होता है। I'm genuinely sorry, बुलबुल, वो मैंने रियलाइज नहीं किया कि ये मेरा नहीं हमारा कमरा। I'm sorry. कोई बात नहीं। बुलबुल, बुलबुल तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, वो बस घाघरे में पैर अटक गया था। मैं तो ये चुनरी पहन ही नहीं पा रही हूँ, किसी की मदद लेनी पड़ेगी, भाई जी या फिर मरने का। कि क्या आप अभी तक बाहर हैं? बुलबुल मुझे भी तैयार होना है ना, मैं इसलिए इंतजार कर रहा था। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वो मुझे ना ये लहंगा पहनने के लिए भाई जी या फिर वर्णिका की मदद चाहिए। मैं देखता हूँ अगर आसपास कोई है तो। बुलबुल। हाँ? वो भाई जी तो माँ के साथ बिजी है और वर्णिका कहीं दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, मैं खुद ही पहन लूंगी। बुलबुल तुम ठीक हो ना? बुलबुल क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। बुलबुल अगर तुम कहो तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूँ क्या? नहीं नहीं, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी, अब रहने दो। नहीं, वो एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा ना तैयार होके, वो मुंह दिखाएगी रस्म के लिए, और फिर मुझे भी तैयार होना है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और यहाँ कोई और है भी नहीं बुलबुल, इसलिए बुलबुल मैं अपनी आंखें भी बंद रखूंगा, मैं आंख नहीं खोलूंगा। बोलो। आंखें बंद रखोगे तो हमारी मदद कैसे करोगे? आप कोई जादूगर थोड़ी हो। अब तुम वही समझ लो, और तुम फिक्र मत करो, मैं बाहर से ही आंखें बंद रखूंगा अपनी। ठीक है, लेकिन आप अंदर आने से पहले से ही ना आंखें बंद रखना। हाँ ठीक है। बुलबुल मैं आ रहा हूँ। आ जाइए, आंखें बंद रखना। पर वीर भाई, बहुत अर्जेंट बात करनी है, मेरी बात सुनो। वायु सब? वायु अभी नहीं, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। अरे आपने आंखें क्यों बंद कर रखी है? वायु मैं तुझे बाद में बताता हूँ, पहले मेरी बात। वायु जा, बाद में बात। वीर भाई अभी जा जा जा, बाद में बात करते हैं।
पीर भाई तो अंदर चले गए। कहाँ हूँ बुलबुल? मैं आईने के पास हूँ। रुक जाइए, आगे सोफा है, अब दाएं मुड़ जाइए, अपने दाएं। हाँ, अब आप बाएं मुड़ जाइए और सीधा जाइए। रुकिए, एक कदम पीछे। वैसे तो मारे को लहंगा पहनना आता है, पर ये दुपट्टा ना बार बार फिसल रहा है, इसीलिए नहीं पहन पा रही हूँ। लाओ मुझे तो। खोल सकते हैं। अरे चल जल्दी, कितना समय लगाएगी? अरे चले, तू कहां सज धज के चल दी? वहीं जहां आप लोग जा रहे, बुलबुल की मुंह दिखाई में। आप लोगों ने तो मुझे बताया भी नहीं, तू कैसे चल सके? माँ, अब वो हमारा परिवार है, तो जाना तो पड़ेगा ना। और माँ, अगर मैं नहीं गई तो बुलबुल को बुरा लगेगा, उसके सासरे वालों को ऐसा लगेगा कि शायद अभी भी मेरे मन में वीर के लिए फीलिंग्स है, तो नहीं है ना। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बुलबुल को कोई कुछ भी बोले, इसलिए मैं तो चल रही हूँ। सरोज हो करना है तुम लोग को। हर एक बार मैं वहां गई तो ऐसा कांड करूंगी कि बुलबुल की सास खुद उसे धक्के मार के घर से निकाल देगी। मारे को नहीं पता था कि आपके जैसे पति भी होते हैं। हमारे पापा सर ने तो हमारी माँ की तबीयत खराब होने पे भी कभी उनका साथ नहीं दिया, पर आप। मैं हेल्प करूं?
तुमसे कहा है बुलबुल कि तुम और मैं इस शादी में हमारे इस रिश्ते में बराबरी के हिस्सेदार हैं। अच्छी लग रही। थैंक यू। तो कितनी किस्मत वाली है बुलबुल कि तुझे थानेदार सा जैसे पति मिले और वो अपनी बदकिस्मत तेरी जैसी पत्नी मिली है जो घर यहां रही तो उन्हें उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। इसीलिए इतने अच्छे आदमी को छोड़कर तुझे जाना होगा। नमस्ते आंटी। आइए 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 आइए। हाँ आइए। बिल्कुल अच्छी। आप आइए। कितना अच्छा लग रहा है देखकर कि तू अपनी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से निभा रही है। मेहमानों का स्वागत अकेले खड़े होकर। सुनिए। नमस्ते संधि साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। समधन साहब, आपको आज यहाँ आपके परिवार के बीच में देखकर हमारे कलेजे को ठंडक पहुंची है। समधन साहब, अब आपकी तबीयत अच्छी लग रही है। अब मैं ठीक हूँ। आओ। आई। भाई जी, वहां किसी को जूस चाहिए हो तो देखो जरा, मेहमानों का ध्यान रखना। कौन है? सॉरी। पापी 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 रुको ना, अब मैं किचन में चलूंगा। व्योम मुझे प्लीज पापी चलो ना। व्योम यहाँ मुझे काम। व्योम हुआ क्या है? व्योम मुझे बताओ तो। प्लीज पापी पापी वीर भाई, वीर भाई आप मना कर बैठे हो। वीर भाई हाँ क्या? सॉरी वायु व्योम, अब तुम लोग सड़क से पत्थर उठा के अंदर लाकर खेल रहे हो। किचन में पत्थर लेकर आए हो तुम लोग? वीर भाई ध्यान से देखो, पत्थर नहीं है, कचौड़ी है। देखो पत्थर नहीं, आपके बीवी के हाथ की बनाई हुई खस्ता कचौड़ी है, जो उन्होंने मुंह दिखाई के लिए बनाई है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यही बना है खाना आज, और नानी ने मामी से पूरा खाना बनवाया है, और आप तो जानते ही हो कि बुलबुल को खाना बनाना ही नहीं आता। वही तो, जो भी बनाया सब ऑनलाइन देख के बनाया। वीर भाई आपको पता है ना, माँ के लिए अतिथि देवो भावा। पता नहीं माँ भाभी का क्या करेगी वीर भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये खाना मेहमानों को नहीं खिला सकते, क्योंकि अगर ये खाना हमने मेहमानों को खिलाया तो माँ किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और साथ ही साथ बुलबुल कुछ तो करना होगा वायु व्योम, लेकिन क्या?
सुलक्षा भाभी साके वापस आ जाने से घर में बिल्कुल पहले जैसी रौनक आ गई है। लगता है इस घर में बहू के कदम अच्छे से पड़े हैं। आपने पूछा तो बता रहा हूँ। वैसे मैं किसी को बताता नहीं कि मैं रजवाड़ा हूँ। जे जे जो जे कड़ा देख रहे हैं, ये जंजीर हमारे पुरखों की निशानी है। आज की तारीख में कम से कम नहीं तो 3 लाख की होगी, पर आपने पूछा तो बताया। माँ, पापा सा कुछ ज्यादा ही हवाबाजी नहीं कर रहे? ये तो उन्होंने पुष्कर मेले से 5 साल पहले 350 रुपए में लिए थे। पीर भाई, सारे मेहमान आ गए, माँ अभी थोड़ी देर में खाना लगाने के लिए बोलेगी, लेकिन खाने का तो ये हाल है। वाओ, क्या हो गया? रबड़ी तो बहुत अच्छी है। मजाक मत कर। मजाक नहीं कर रहा, ये तो सच में अच्छी है। टेस्ट तो करो। आयु, वाओ, ये तो सच में अच्छी है, टेस्ट करके देखो। है ना अच्छी? ये तो जेन्युइनली अच्छी। हाँ, और बुलबुल ने मीठा इतना अच्छा बनाया तो बाकी खाना इतना खराब कैसे बनाया? वीर भाई, वो हाँ? उनका कुछ स्पेशल टैलेंट होगा, आप उनसे बाद में पूछ लेना। पहले ये बताओ यहाँ का क्या करेंगे? अभी सब मेहमान भूख भूख करने लगेंगे। माँ, मुझे भूख लगी है। जब बोली घर पे कि खाना खा ले तो खाया नहीं, नखरे कर रहा था। अब खाना लगने में टाइम है, थोड़ी देर रुक जा। डांट मत, बच्चा है, बच्चे को कभी भी भूख लग जाती है। वर्णिका जी, इधर आ। जी, सार्थक को भूख लग रही है, इसे रसोई में ले जाओ। वहाँ कचौड़ी होगी, इसे कचौड़ी दे दे। कुछ और भी खाना होगा तो दीदी को बोल देना, वो खिला देंगी। जा। चलो। मैं रोकता हूँ। वर्णिका, कहाँ जा रही है? इसे भूख लगी है तो कचौड़ी खिला। गोलू को भूख लगी है। वर्णिका, इसे कचौड़ी मैं खिला दूंगा, तू एंजॉय कर। वैसे भी कितना काम करती है तू, है ना? ओके, गुड बाय जी। गोलू, क्या खाएगा तू? कचौड़ी। कचौड़ी तो तू रोज खाता, आज कचौड़ी नहीं, आज नूडल्स खाते। खाएगा? हाँ। बहुत बढ़िया बनते। चल खिला। नहीं नहीं, यहाँ नहीं बनते, नूडल्स पीछे बनते, पीछे चलते। हाँ। दोनों जन खाएंगे, बहुत बढ़िया नूडल्स बनाते हैं हमारे यहाँ पे। फिर भाई, उसको तो भेज दिया, बाकियों का कैसे करेंगे? भाभी सा, बच्चे का तो हो गया, अब हम भी चले आपकी रसोई में आज का खाना चखने। अब और इंतजार ना हो रहा। चलो सुधा, हाँ, चलो चल कर देखते हैं। सुधा, इतनी भूख लगी है? अभी तो रस्में शुरू भी नहीं हुई और रसोई की तरफ। अरे वो दिखाई की रसम का तो बहाना है, हमें तो आपके घर का खाना खाने की लालच है। अच्छा ये बताइए, रस्म रिवाज के हिसाब से खाना आपकी बहू ने ही बनाया है ना, या आपने उसकी मदद की है? अरे नहीं नहीं, किसी ने उसकी मदद नहीं की है, खाना उसने खुद बनाया है बिना किसी मदद के, अपने हाथों से। अब हाँ, स्वाद में कैसा है ये तो आप चक्कर ही बताइएगा, अच्छा है या बुरा देखते हैं। आज आपकी बहू परीक्षा में पास होती है या फेल, सारे अजमेर में चर्चा होगी। चर्चे तो जरूर होंगे। भाभी सा, आपकी बहू ने तो इतना भारी जोड़ा कितने अच्छे से संभाला है, जरा भी पाँव ना डगमगा रहे उसके। और घूंघट तो देखो कितना लंबा है, बड़े संस्कार दिए आपने। अब आजकल की लड़कियां पहले ही कितना अनुकूल कर देती है।
इस एक एक गहने कपड़े और लोगों की तारीफ, इन सब पर सिर्फ मेरा हक था। अभी सबको दिखाती होगी कितनी सर्वगुण संपन्न है ये नई पिंडनी।